हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। टुडे इज साइंस लेक्चर। नाउ वी विल रिवाइज द असाइनमेंट्स। सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। अब हमको वन सेंटेंस में आंसर करने हैं। ओके, सो नेम 5 एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे 5 एनिमल्स के नेम राइट करना है जो कि दोनों तरह का फूड खाते हैं, प्लांट्स फूड भी खाते हैं और अदर एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल कौन होते हैं? CROW, क्रो, देन बियर, फॉक्स, ह्यूमंस एंड कैट। ये ऐसे एनिमल है जो प्लांट के फूड भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। नेम 5 एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे 5 एनिमल्स के नेम लिखना है जो कि सिर्फ अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं। सो इसमें कौन से एनिमल आते हैं? टाइगर, लायन, पाइथन, किंगफिशर और स्नेक। नेम एनी 2। इनमें फ्लावर्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स के 2-2 नेम राइट करने हैं। फ्लावर्स, लीली, तुलिप। आप अदर फ्लावर के नेम भी लिख सकते हैं, रोज, लोटस, जिस जो भी फ्लावर्स की आपको स्पेलिंग आती है वो आप राइट कर सकते हैं। 2 फ्रूट्स के नेम, एप्पल, मैंगो, बनाना, चीकू, पपाया, जो भी आपको अच्छा लगे लिखना वो आप लिख सकते हो। 2 वेजिटेबल्स, कैबेज एंड पीस। व्हाई आर रूट्स इम्पॉर्टेंट? रूट्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट्स जो होती हैं प्लांट को सॉइल में, मिट्टी में अच्छी तरह से पकड़ कर रखती हैं, टाइटली पकड़ कर। फर्मली मतलब क्या होता है? टाइटली, अच्छी तरह से पकड़ के रखती है। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और वो सॉइल से वाटर और मिनरल लेती हैं और पूरे प्लांट को पहुँचाती हैं। वॉट आर फ्लावर्स? फ्लावर्स क्या है? सो फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स एक प्लांट का पार्ट है, जैसे कि रूट एक पार्ट है, फिर फ्रूट एक पार्ट है, ऐसे ही फ्लावर्स भी प्लांट का एक पार्ट है। सो फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम, जो कि स्मॉल बर्ड्स के रूप में स्टेम में ग्रो होती है। वॉट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? वॉट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है? हमें प्लांट से क्या मिलता है? सो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? हमारा फूड मिलता है। विच प्लांट पार्ट्स आर यूज एज वेजिटेबल्स? प्लांट के कौन कौन से पार्ट जो हैं हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं? सो वेजिटेबल के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से पार्ट खाते हैं प्लांट के? सो वी ईट रूट्स, कैरेट और रेडिश जो खाते हो वो प्लांट का क्या है? रूट है वो। स्टेम मीन्स ऑनियन, पोटैटो, ये स्टेम में आते हैं। लीव्स, स्पेनिच एंड फेनुग्रीक, एंड फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर। फिर ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, लीव्स भी खाते हैं। लीव्स में क्या आता है? फेनुग्रीक है, ग्रीक लीव्स, स्पिनेच है, कैबेज है, ये सब लीव्स में आते हैं। तो कुछ प्लांट के हम रूट खाते हैं, किसी प्लांट के स्टेम खाते हैं, किसी की लीव्स खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं। नेम एनी 2 फूड ग्रेन्स। कोई भी 2 फूड ग्रेन्स के नेम लिखना है, तो राइस एंड वीट। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? सो वी नीड फूड टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें फूड की जरूरत एक तो ग्रो होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फूड की जरूरत होती है। वेयर डू वी गेट अवर फूड फ्रॉम? हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है? सो वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फूड हमें प्लांट से मिलता है और कुछ एनिमल्स से। वॉट इज अ मील? मील क्या होता है? अ मील इज द फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम। फूड एक मील एक ऐसा फूड है जिसको हम एक पर्टिकुलर, एक निश्चित टाइम में खाते हैं। हाउ कैन वी क्लीन अवर हेयर? हम अपने हेयर को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं? सो वी क्लीन अवर हेयर By washing and combing them regularly, हेयर को क्लीन रखने के लिए हमें उन्हें वॉश करना चाहिए और एवरीडे कॉम करना चाहिए। Which type of food should we eat? हमें किस तरह का फूड खाना चाहिए? So we should eat plenty of fruits, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में fruits and vegetables, ये हमें खाने चाहिए। What is cleanliness? Cleanliness क्या है? The habit of staying clean is called cleanliness. Clean रहने की जो habit होती है उसे हम क्या कहते हैं? Cleanliness.
What is first aid? First aid is the help given to an injured person immediately. जब भी कोई person को चोट लग जाती है और तुरंत में जो हम treatment देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? First aid. What are zebra crossing? Zebra crossing क्या है? Zebra crossing are black and white lines made on the road. Zebra crossing जो road पर black और white color की line होती है उससे हम क्या कहते हैं? Zebra crossing कहते हैं. Right to safety rules to follow while traveling by bus. जब भी आप bus पे सफर करते हो तब हमें कौन से two rules follow करने हैं? Stand in a queue. जब भी हम bus का वेट करते हैं तब हमें क्यू में मीन्स लाइन में स्टैंड रहना चाहिए एट द बस स्टॉप. एंड सेकंड है डू नॉट बोर्ड अ मूविंग बस. चलती हुई बस में हमें चढ़ना नहीं चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच ए विथ बी. फ्रूट्स विथ वन सीड. जिसका वन सीड होता है तो कौन सा है? मैंगो. इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? बी. फ्रूट्स विथ फ्यू सीड. जिसमें कुछ सीड होते हैं मीन्स वन से मोर एंड बहुत सारे ना होकर मैनी से कम. सो एप्पल. एप्पल में क्या होते हैं? फ्यू सीड्स. सो ए ऑप्शन राइट. फ्रूट्स विथ मैनी सीड. जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. सो वाटर मेलन. कौन से नंबर में लिखा? डी नंबर. सो वी राइट हियर डी. फ्लावर्स. सो लिली. देन कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर क्या है इसमें से? वेजिटेबल. सो एप नंबर यहाँ पे हम राइट किया क्योंकि वेजिटेबल एप नंबर पे लिखा हुआ है. पीच एक फ्रूट है. पीच क्या है? एक फ्रूट है. तो कौन से नंबर पे राइट है वो? ए नंबर पे. तो सेकंड में हमें राइट कर देंगे. राइस. राइस क्या है? राइस क्या कहे? ग्रेन्स है. सो सी का थ्री का हम सी लिखेंगे क्योंकि सी नंबर में ग्रेन्स लिखा है. कॉफी क्या है? ड्रिंक है. सो ड्रिंक कौन से नंबर में लिखा? ई. सो वी विल राइट हियर ई. क्लोव. क्लोव किस में आता है? स्पाइसेस. स्पाइसेस कौन से नंबर पे लिखा है? बी. सो वी राइट हियर बी. देन ग्राम. ग्राम क्या है? पल्सेस. पल्सेस कौन से नंबर में है? डी. सो वी राइट हियर डी. डू एज डायरेक्टेड. रीअरेंज द एंड राइट द करेक्ट आंसर. रीअरेंज एंड राइट द करेक्ट आंसर. ये जो अरेंज नहीं है इसको अरेंज करके हमको करेक्ट आंसर बनाना है जिससे हमें नेम ऑफ सीरियल्स मिले. इसको हम देखें कोई सीरियल का नेम आएगा इसको करेक्ट करेंगे तो इससे कौन सा? डब्ल्यू एच ई ए टी. वीट. वीट एक सीरियल का नेम है. नेक्स्ट है ए ई टी. तो टी ई ए टी. इसमें लिखा यूज एज अ ड्रिंक. ड्रिंक के रूप में जो यूज करते हैं तो क्या होगा? टी. पहला वीट दूसरा टी. नाउ नेक्स्ट है एम ए आर जी. इसको अरेंज करेंगे तो जी आर ए एम बनेगा. नेम ऑफ अ पल्सेस. ग्राम एक पल्सेस का नेम है. फिर ई जी एन ए आर ओ. इसको अरेंज किया तो ओ आर ए एन जी ई. ऑरेंज बना. नेम ऑफ अ फ्रूट. एन ओ आई एन ओ. इसको अरेंज किया तो ओ एन आई ओ एन. ऑनियन. नेम ऑफ अ वेजिटेबल्स. इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? एक वेजिटेबल्स का नेम बनेगा. राइट शॉर्ट नोट ऑन सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स का शॉर्ट नोट हमें लिखना है. सो वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड. वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तब हमें किसका यूज करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. टू बी सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ रहने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग. जब भी आप वॉकिंग करते हो तब आपको फुटपाथ का यूज करना है. नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पर हमें प्ले नहीं करना है. डोंट टीज एनिमल. एनिमल को टीज नहीं करना, चिढ़ाना नहीं है. प्ले इन सेफ प्लेस. जब भी आप प्ले करते हो तो सेफ प्लेस पर प्ले करना है. गो विथ एन एडल्ट फॉर स्विमिंग. जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो अपने से एडल्ट मतलब अपने से बड़े लोग के साथ आपको स्विमिंग करने के लिए जाना चाहिए. नाउ गुड हैबिट्स. जो भी शॉर्ट नोट आपको अच्छी तरह से लर्न हो वही आपको राइट करना. गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स आर नेसेसरी टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन. गुड हैबिट जो होती है बहुत आवश्यक होती है हेल्दी और क्लीन रहने के लिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ ईयर्स नोज एंड हेयर. हमें अपने टीथ की ईयर्स की नोज की एंड हेयर की एंड अदर बॉडी पार्ट्स की टेक केयर करनी चाहिए मीन्स देखभाल करनी चाहिए. वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे. हमें रोज नहाना चाहिए.
वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. एंड वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड, हमें क्लीन और हेल्दी फूड खाना चाहिए. इस तरह से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से लर्निंग करके और राइट करके करनी है और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन.